हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले अपकमिंग यमहा R3 के बारे में। देखिए, आपको बता दूं, इंडियन मार्केट में R3 जो है वो BS3 मॉडल में आया करती थी, लेकिन जब नया नॉर्म्स आया तो पता नहीं भाई यमहा वालों का क्या दिमाग चला कि ये लोगों ने इस बाइक को डिसकंटिन्यू ही कर दिया। इस बाइक को इंडियन मार्केट में रिलॉन्च किया ही नहीं किया, जब से हम इस बाइक का वेट कर रहे कि यमहा की R3 इंडियन मार्केट में आ जाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यमहा की जो R3 है वो इंडियन मार्केट में बहुत जल्द आ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कब तक आएगी फिलहाल कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं अपकमिंग यमहा R3 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, ये बाइक कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस बाइक का इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की जो डेट निकल के आ रही है, फिलहाल यमहा की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है कि यमहा बोल रहा हो भाई इसी लॉन्च में ये बाइक मतलब डेट में इंडियन मार्केट में आ रही है, लेकिन दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ कंपनीज का कहना है कि आने वाले मार्च टू अप्रैल मंथ तक इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है यमहा की तरफ से। जी दोस्तों, इसके जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और सच में अगर ये बाइक ऐसी आ रही है तो फिर भाई मज़ा ही आ जाएगा। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों, यमहा की तरफ से कोई भी आपको पता है कि 300 से 400 सेगमेंट में कोई ढंग की बाइक नहीं है, इस वजह से दोस्तों इस बाइक का सबसे ज़्यादा इंतजार इंडियन मार्केट में किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अब इस बाइक के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की डिज़ाइन के बारे में। तो नो डाउट डिज़ाइन में बाइक बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक निकाल कर देती है। डिज़ाइन वाइज आपको एक मतलब कह सकते हैं एंट्री लेवल सुपर बाइक टाइप का आपको लुक। इनके बारे में अगर बात करें तो इंजन टाइप में इस बाइक में आपको 321cc का लिक्विड कूल 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक DOSC जो इंजन है वो हमें इस बाइक में देखने को मिल रहा है। बात करें अगर पावर के बारे में तो इस बाइक में अराउंड आपको 42 PS के आसपास की पावर देखने को मिलेगी 10,750 RPM पे, एंड मैक्सिमम टॉर्क में अराउंड 28.8 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 9,000 RPM पे पावर जनरेट करके ने का पावर जनरेट करेगी। तो ऑब्वियसली बात है, टॉर्क और पावर आपको बाइक में बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई ड्यूक 390 से पावर कम है, देवा भाई आप ये भी तो समझिए कि ये ट्विन सिलेंडर बाइक है, ये डुअल सिलेंडर बाइक है, तो इसकी परफॉर्मेंस है ड्यूक की आप कंपैरिजन मत करो। ड्यूक 0 to 100 में क्विक है, लेकिन ये टॉप एंड में ड्यूक को बहुत आसानी से बीट कर सकती है, तो इस बाइक में आपको काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलेगा। नंबर ऑफ 4 वॉल्व मिलेंगे बाइक में, मतलब 8 वॉल्व इंजन हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पर सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन है। कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा। इंजन में दोस्तों बाइक में आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा, साथ में एक किक शिफ्टर भी आपको यमहा की R3 में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा लेटेस्ट जनरेशन की यानी कि मॉडर्न जनरेशन की बाइक होने वाली है यमहा की R3। बात करें इस बाइक के माइलेज एंड टॉप स्पीड के बारे में। अब ऑब्वियसली बात है दोस्तों, जो जापानीज टेक्नोलॉजी होती है, खासकर मैंने देखा है, इनकी खास बात मुझे ये लगती है कि भाई ये लोग आप लोगों को क्या करते हैं कि भले आप लोगों को पावर भी मिल रहा है, लेकिन साथ में आपको माइलेज भी ही मिल रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, वरना हर कंपनी के बस में नहीं है ये चीज़। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बाइक आपको अराउंड 30 से 35 के आसपास का जो माइलेज है इजिली निकाल कर देगी। और अगर बात कर ले दोस्तों इस बाइक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉप स्पीड के बारे में, तो 190 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको ये बाइक निकाल कर देगी। एंड आपको पता है दोस्तों, 0 to 100 में इस बाइक को लगभग 6 सेकेंड के आसपास के लगते हैं। अब दोस्तों फ्रंट में आते हैं। सबसे पहले फ्रंट लाइट में आप देख पा रहे हैं कि बाइक में आपको डुअल LED सेटअप का लाइट देखने को मिलता है। नो डाउट बाइक की जो लाइट्स है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, और लाइट की जो विजिबिलिटी यानी कि इल्यूमिनेशन है वो भी आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। टर्न सिंगल लैंप भी आपको बाइक में LED देखने को मिलने वाली है। साथ में आपको बता दोस्तों, इस बाइक में फ्रंट में आप लोगों को अपसाइड डाउन यानी कि USD फॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, एंड रियर में आप लोगों को इस बाइक में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। ब्रेकिंग में आपको बाइक में फ्रंट में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलने वाला है, प्लस प्लेट साइज 292 292 mm के आसपास की जो प्लेट है वो फ्रंट में देखने को मिलेगी। साथ में फ्रंट में आपको बाइक में जो टायर साइज है वो 190 वाले टायर देखने को मिल सकते हैं। रियर में आपको बाइक में 220 mm के आसपास की प्लेट देखने को मिलने वाली है, प्लस रियर में आपको बाइक में 140/70 की जो टायर साइज है वो देखने को मिलेंगे। बात कर लें इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। अब स्पीडोमीटर में दोस्तों इस बाइक में आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा। और फीचर्स के बारे में बात करें तो बाइक में आपको फीचर्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। इस बाइक में दोस्तों आप लोगों को स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, मोबाइल कनेक्टिविटी, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट जो फीचर है सारे फीचर्स आपको यमहा की R3 में देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं फीचर्स वाइज भी आपको ये बाइक बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये भी एक बाइक का काफ़ी बड़ा एडवांटेज आपको बाइक में मिल जाता है। मतलब ओवरऑल जो 300 से 400 सेगमेंट का एक पैकेज बनेगा ना R3 का, वो सारी बाइक को बीट कर सकता है। बात
बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। भैया प्राइस भी ये बहुत महंगी जाएगी। ये बाइक अराउंड 350,000 से 360,000 रुपये के आसपास की एक्सोरूम प्राइस जा सकती है, मतलब ऑन रोड प्राइस अराउंड 400,000 के आसपास जाएगी, 410,000 के आसपास की। लेकिन मेरी नज़रों में ये भी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि यार ये ट्विन सिलेंडर बाइक है और इस प्राइस में जा भी रही है तो भी भाई लोग इस बाइक को पसंद करेंगे, खासकर यामा लवर तो पसंद करेंगे ही करेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट में आ सकती है और बाइक कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी हुई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।